दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की पार्टी के उन सभी नेताओं को निर्देश दिया है कि एलजी वीके सक्सेना के खिलाफ किए गए सारे ट्वीट वे अपने ट्विटर हैंडल से हटा दें। एलजी सक्सेना ने अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले सभी नेताओं के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सक्सेना पर नोटबंदी के दौरान भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया था। जस्टिस अमित बंसल ने आदेश में कहा है कि मैंने वादी के पक्ष में एक अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित किया और विस्तृत निर्देश दिए हैं। इससे पहले 22 सितंबर को इस मामले में आदेश सुरक्षित रखा गया था। सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के 5 वरिष्ठ नेताओं संजय सिंह, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह और दुर्गेश पाठक को प्रतिबंधित करने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पिछली सुनवाई में एलजी के वकीलों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए हैं वे अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण थे और एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी के खिलाफ थे। अगस्त में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष के रूप में सत्ता के घोर दुरुपयोग के अलावा नोटबंदी के दौरान धन शोधन में शामिल थे। आतिशी मार्लेना ने कहा था कि खादी ग्रामोद्योग के 2 कैशियर ने सक्सेना के खिलाफ गवाही दी है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके खिलाफ जाँच का आदेश क्यों नहीं दिया गया। केजरीवाल की पार्टी ने केंद्र सरकार और सीबीआई से वीके सक्सेना के 1400 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में गहन जांच करने की मांग करती है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का एक स्पष्ट मामला है। ईडी को जांच करनी चाहिए और उनके कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी करनी चाहिए। आतिशी ने मीडिया को बताया था कि केवीआईसी के 2 कैशियर संजीव कुमार और प्रदीप यादव ने विभिन्न जाँच समितियों को बयान दिया है। कैशियर के लिए काले धन को सफ़ेद में परिवर्तित करना संभव नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत छोटे पद हैं। कैशियर के लिए भी बयान देना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखित बयान दिया है कि उन पर तत्कालीन अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने पुराने नोटों को बदलने के लिए दबाव डाला था जो मूल रूप से काला धन था। अन्य नेताओं और पार्टी ने भी मामले की सीबीआई और ईडी जाँच की मांग की थी और राज्यपाल की गिरफ्तारी की मांग की थी। इससे पहले उपराज्यपाल ने आरोपों पर उन्हें कानूनी नोटिस भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।